उड़िया 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 पढ़ाई करो या सोए हो अभी तक? मैं पढ़ी रहा हूँ, पढ़ी रहा हूँ, पढ़ी रहा हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं सोता ही रहता हूँ, पता नहीं क्यों सामने बुक आती है, सो जाता हूँ। आप तो मेरे दोस्त हो, आपको तो पता ही रहेगा कि हम कुछ भी खेलेंगे या कुछ भी काम करेंगे हमको तभी नींद नहीं आएगी, लेकिन सामने भूख आएगी। नींद जरूर आती है, पता है ना आपको भी। मम्मी हर बार बोलती है कि बेटा पढ़ पढ़, लेकिन मैं सो ही जाता हूँ। क्या आपको पता है वियतनाम के थाई एंजोक, नहीं थाई एंगोक, नहीं थाई किंगकोंग, नहीं थाई एंजोक, छोड़ो ना, मेरे को नहीं पता। हम थाई जी बुलाते हैं, हाँ थाई जी। अकॉर्डिंग टू वियतनाम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, थाई जी पिछले 46 ईयर से सोए ही नहीं। ना शॉकिंग वाली बात, आपकी भी नींद उड़ गई ना, मेरी भी नींद इसी न्यूज के कारण उड़ गई। थाई जी 1942 में बॉर्न हुए थे और वो अपने बीबी बच्चों के साथ खेत में रहते थे। जब वो 20 साल के थे उन्हें इंसोम्निया शुरू हुआ था। इंसोम्निया एक ऐसी बीमारी है जिसमें नींद कभी आती ही नहीं, आती है लेकिन कभी कभार, लेकिन एकदम ना के बराबर। ऐसे ही थाई जी को कभी कभार नींद आती रहती थी, पर 1973 से जब उनको बहुत ही तेज बुखार आया था तब से लेकर आज तक थाई जी कभी सोए ही नहीं। इंसोम्निया के कारण वो नाइट शिफ्ट की जॉब करते हैं और वो वाइन ब्रू करने का काम करते हैं और वो पूरे दिन में 5 लीटर वाइन ब्रू करते हैं जिससे उन्हें $1.2 मिलते हैं। कहीं न्यूज चैनल ने उन्हें अप्रोच किया कि उनका डेली रूटीन शूट करे और लोगों को बता सके, लेकिन थाई जी ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। कई लोगों ने तो उन्हें फ्री दवाई भी ऑफर की इंसोम्निया के कारण, लेकिन थाई जी ने उन्हें भी मना कर दिया, कहा कि मुझे इनकी जरूरत नहीं। सो गाइस, ऐसी कोई हैरान करने वाली बात अगर आपको पता हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाना। बिगिन्स।